वेलकम इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज हम एक इलेक्ट्रिक का वीडियो लेके आए हैं। तो वीडियो में आज देखेंगे किस तरीके से, मान लीजिए कि अगर आप बेडरूम हो गया, ठीक है, उसके बेडरूम के साथ अटैच हो गया आपका बाथरूम, और दो बेडरूम पकड़ लीजिए, एक नॉर्मली जो छोटा हाउस होता है, दो बेडरूम हो गया आपका हाउस, हॉल रूम हो गया, उसके बाद सीढ़ी रूम हो गया, इसके साथ बाथरूम रहता है। तो इसके साथ हम लोग कैसे किस तरीके से फिनिशिंग का सामान हम कैसे लगाते हैं, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि बेसिक बेसिक चीज़ हमें क्या क्या ज़रूरत है फिनिशिंग करते वक्त, ठीक है। तो देखिए आप वीडियो में देख पा रहे हैं, इसमें बहुत सारा सामान हमने क्या क्या अच्छे तरीके से सजा के रखा है। तो चलिए आज एक एक करके हम बताते हैं, ठीक है, कौन चीज़ का नाम क्या है और किस कहाँ पर यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले बताते हैं ये जो देख सकते हैं सीलिंग रोज है, ठीक है, ये आपका कहीं पे अगर ट्यूबलाइट का कनेक्शन है, अगर आपका फैन का कनेक्शन है, ठीक है, वहाँ पे आपका ये सीलिंग रोज का इस्तेमाल होता है। तो पहले इसका जो काम क्या है ये बता दिए, आगे देखेंगे। ये देख सकते हैं होल्डर, एंगल होल्डर, ये आपका लगता है ज़्यादातर वॉल में लगता है, जिस वॉल में अगर एंगल लाइट दिया जाता है उसके लिए हम लोग एक एंगल होल्डर एक साइड में दे देते हैं, इसके लिए एक एंगल होल्डर लिया है। और आगे देख सकते हैं ये हो गया प्लेट, ये 4x4 का, ये 6x4 का, ये हो गया जंक्शन प्लेट, यहाँ जहाँ पर आपका जंक्शन बोर्ड रहता है उसके ऊपर पैकिंग करने के लिए आपके ये प्लेट आता है, ठीक है। अब आगे ये देख सकते हैं, ये हो गया आपका ब्रश स्क्रू, ये ब्रश स्क्रू ये प्लेट में इस्तेमाल किया जाता है। ये प्लेट को जब आप सेटिंग करेंगे इसके साइड में होल करने के बाद, ये ब्रश स्क्रू के सहारे आप जंक्शन बोर्ड में लगा सकते हैं। तो ये ब्रश स्क्रू जो है ये बहुत सारे साइज में मिलता है आपको, 1 इंची से 2 इंची 1.5 इंची 1.25 इंची, अब सब साइज का मिल जाता है। इसके साथ ये आता है वाशर, हाँ, ये ब्रश स्क्रू में वाशर डालने के बाद जंक्शन प्लेट लगाया जाता है। और सबसे कॉमन चीज़ आपका ये हो गया ब्लैक टेप, ये तो आपका ज़रूरत है जब कनेक्शन करेंगे तो कहीं पे जॉइंट करना पड़ता है, कहीं पे रेगुलेटर का वायर में देना पड़ता है, तो ये सारा ये हो गया आपका बेसिक, इसको आपकी ज़रूरत है। उसके बाद है कि ये स्विच, ठीक है, ये स्विच आपको अलग अलग मॉडल का आता है, जिस भी कंपनी का ले उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कैसा आपको आपके ऊपर है कौन सा डिजाइन का ले। तो ये आपका हो गया वन वे स्विच, ठीक है, वन वे स्विच आपका जितना कनेक्शन है उसके लिए वन वे स्विच लाना है। उसके बाद ये देख सकते हैं टू वे स्विच है, ये हो गया टू वे स्विच, दो कनेक्शन है इसमें, देखिए दो सिंबल दिया हुआ है, ये सिंबल से आप पहचान सकते हैं कि ये टू वे कनेक्शन मतलब टू वे स्विच है ये। और टू वे स्विच का पीछे देख सकते हैं ये इसका 3 पॉइंट होता है, ठीक है, टू वे स्विच का हमेशा 3 पॉइंट और वन वे स्विच का आपका 2 पॉइंट होता है। तो टू वे स्विच का अगर कनेक्शन आपको सीखना है तो अलग से आपके लिए एक वीडियो हम बना देंगे, अगर आप कमेंट करेंगे इसके वीडियो में आपको भी इसके बारे में आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, तो हम टू वे स्विच का कनेक्शन किस तरीके से करते हैं, ये 2-3 टाइप से आपका कनेक्शन होता है टू वे का, तो इसके बारे में भी अलग से हम वीडियो बना देंगे। और ये हो गया आपका सॉकेट, 5-पिन सॉकेट, ठीक है, 5-पिन सॉकेट में आपका हर एम्पियर का आता है, 6 एम्पियर से आता है, 10 एम्पियर होता है, 16 एम्पियर होता है, 32 एम्पियर होता है, आपको जितना चाहिए उतना। तो नॉर्मली आपका घर में जो बोर्ड होता है, ठीक, उस बोर्ड में आपका 6 से 6 एम्पियर में 6 से 10 एम्पियर आप लगा सकते हैं। और हाई लोड के कारण जैसे गीजर हो गया, फ्रिज हो गया, इसका देखिए ये हो गया हमारा बोर्ड सेट, ये देखिए 2 मॉडल का बोर्ड है, इसमें एक ही 5-पिन सॉकेट लगा है, देखिए ये थोड़ा बड़ा साइज का, ये हो गया आपका 16 से 20 एम्पियर का है, ठीक है, मिनिमम 6 और मैक्सिमम हो गया आपका 20, ठीक है, ये 20 एम्पियर का लोड इसमें ले सकता है। इसमें आप फ्रिज हो गया, गीजर हो गया, ये सब चीज़ दे सकते हैं, ये देख यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे दिखा देंगे, हाँ दिखाई नहीं दे रहा होगा, देखिए 16 एम्पियर है, ये हो गया आपका मैक्सिमम 16 एम्पियर का, ठीक है, ये आपका हम लाए हैं गीजर के लिए। इसी तरीके ये देख सकते यहाँ पे हो गया आपका 20 एम्पियर का, इसके साथ एक 20 एम्पियर का स्विच है, 20 एम्पियर का सॉकेट, ये आपका हो गया इन्वर्टर, जहाँ पे कनेक्शन होगा वहाँ पे लगेगा। और आगे देख सकते हैं ये 8 मॉडल का बोर्ड है, 8 मॉडल का बोर्ड, ये हो गया आपका 4 मॉडल का बोर्ड, ठीक है। इस तरीके से रूम, प्रत्येक रूम में आपका जो मेन बोर्ड होता है, मेन बोर्ड 12 मॉडल का दे दिए हैं, यहाँ भी 12 मॉडल का, अगर आपको इससे कम कनेक्शन चाहिए तो 8 मॉडल का दे देंगे, लेकिन हमारा ये देखिए कनेक्शन यहाँ पे बहुत सारा है, जैसे कि ये हो गया आपका इंडिकेटर, ये हो गया फैन रेगुलेटर, ये टू वे कनेक्शन, इसके बाद ये हो गया सिंगल वे स्विच, इसके साथ 2 सॉकेट, तो टोटल हमारा 12 मॉडल का बोर्ड लग गया एक बेडरूम में। और अगर आपका कहीं पे भी बोर्ड में अगर स्विच का जगह ज़्यादा हो गया, जैसे देखते हैं यहाँ पे देख सकते हैं 8 मॉडल का, हमारा ज़रूरत नहीं था लेकिन यहाँ पे 8 मॉडल का बोर्ड लग गया, जिसके कारण 1 सॉकेट, 3 स्विच है आपका और 3 ब्लैंक हो गया, ये देख सकते हैं 3 हो गया ब्लैंक, ठीक है।
ये ब्लैंक के पीछे में कुछ नहीं रहता है कनेक्शन करने के लिए। इसमें आप 3 और 2 पार, यहाँ पे 8 मॉडल का है लेकिन यूज़ किया गया है 5 मॉडल का, और 3 का जो है यहाँ पे ब्लैंक लग गया है, ठीक है नॉर्मल। इसके बाद हम दिखा सकते हैं, ये देख सकते हैं MCV होता है, ठीक है। आपको प्रत्येक रूम, जैसे एक बेडरूम और एक बाथरूम का जो अटैच रहता है, इसके साथ एक MCV रहता है। इसका कनेक्शन एक ही MCV से किया जाता है। MCV से पहले आपको एक DP लगाना है, ये हो गया आपका मेन स्विच का काम करता है। वो आपके लोड के हिसाब से, अगर ज़्यादा लोड हो तो 63 एम्पियर का दे सकते हैं, कम लोड हो तो नॉर्मली 40 एम्पियर का यूज़ किया जाता है। उसके बाद DP के बाद आपका MCV यूज़ होता है, ठीक है। MCV आपको हमेशा लोड का कैलकुलेशन करने के बाद ही MCV लगाना है। देखिए यहाँ पे हमने 10 एम्पियर का लगाया MCV, आपको जितना ज़रूरत है उतना लगा सकते हैं। 10 हो गया, 16 हो गया, 32, 64, जितना भी चाहिए उतना लगा सकते हैं। तो देखिए खोल के दिखा देते हैं आपको। ये हो गया आपका फ्लिप्स का MCV है, ठीक है। फ्लिप्स का MCV है, ये 10 एम्पियर का MCV है। इसमें बहुत सारे टाइप के MCV, सॉरी हमने 10 एम्पियर आपको बोला है लेकिन ये 60 एम्पियर का है, ठीक है। तो वो आप मिला लेंगे किस तरीके से। आपके टोटल बेडरूम हो गया, जैसे आपका कनेक्शन किया है, टोटल का कनेक्शन का आपको कैलकुलेशन करके कितना लोड आता है उसके हिसाब से आप MCV लगाने से वो बेहतर होता है। तो एक रूम में जो बेसिक चीज़ है, बोर्ड हो गया, जंक्शन प्लेट हो गया, राउंड प्लेट, ये जो राउंड प्लेट इसके बारे में हमने नहीं बताया, ये राउंड प्लेट जहाँ पे आपका सर्कुलर लगता है वहाँ पे आपका ये पहले राउंड प्लेट लगने के बाद इसके ऊपर लाइट वाइट ये सेटिंग किया जाता है। तो टोटल हमने जो स्क्रू हो गया, स्विच हो गया, ब्लैक टिप, रूम मतलब जो बेडरूम में जरूरत, तो टोटल सारा इसमें हमने बेसिक जानकारी दे दी है। और इसके साथ आपको जो इलेक्ट्रिशियन है उनको क्या क्या इक्विपमेंट का ज़रूरत है उसके बारे में भी अगर जानना चाहते हैं तो उसके बारे में हम अलग से वीडियो दे देंगे, ठीक है। तो और यहाँ पे देख सकते हैं एक नया चीज़ हम बता रहे हैं, ये देख सकते हैं ये गोल्ड मेडल कंपनी का है टोटल सारा सामान। तो इसमें ये कंपनी अभी क्या करता है, जो इलेक्ट्रिशियन होता है इनके लिए कुछ कैशबैक, देखिए पेटीएम कैशबैक हो गया, मतलब किसी भी ऐप के माध्यम से कैशबैक ले सकते हैं। यहाँ पे QR कोड दिया गया, यहाँ से स्कैन करने के बाद, तो ये जो आप किसी भी कंपनी का अगर कोई भी चीज़ परचेस करते हैं उसके साथ बॉक्स रहता है, इसमें आपका QR कोड स्कैन करने के लिए दिया जाता है। तो इसमें आपका इसमें दिया हुआ रहता है कि इस कंपनी के लिए कौन सा ऐप आपको डाउनलोड करना है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए कौन सा ऐप डाउनलोड किया गया, प्रोसीड्योर फॉर धन भरसे स्कीम, इसके तहत इसमें कौन सा ऐप दिया गया है, धन भरसे ऐप। इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद इसमें रजिस्टर कीजिए आपका नाम, और ऐसे जैसे कोई भी सामान परचेस करने के बाद इसमें QR कोड दिया रहता है, इसको स्कैन करने के बाद आप कैशबैक पाइए। तो हर एक कंपनी का अलग अलग ऐप रहता है, उसको डाउनलोड करने के बाद रजिस्टर कीजिए। और इसी तरीके से आपका जो डिजिटल कुछ इलेक्ट्रिशियन के लिए जो फ़ायदा होता है कंपनी की तरफ से, वो आप इसमें से मुफ्त में ले सकते हैं। तो ये सब कुछ जानकारी हम लोगों ने आपको दिया है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इसी तरीके से वीडियो में बने रहिए, आगे इस तरीके नए वीडियो हम लाते रहेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।